नमस्कार, डिलीशियस तड़का में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही अलग और नए तरीके की गोभी की रेसिपी। आजकल मार्केट में बहुत अच्छी गोभी आ रही है। वैसे तो गोभी कई तरीकों से बनती है, लेकिन आज हम जिस तरीके से गोभी बनाएंगे उसे आप खास मौकों और त्योहारों पर भी बना सकते हैं। जो एक बार इस रेसिपी को चख लेगा वो इसे दोबारा बनाने की मांग जरूर करेगा। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। हम लेंगे कढ़ाई, गैस ऑन करेंगे। मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, उसे हम गर्म कर लेंगे। जैसे ही ऑयल गर्म होगा मैं इसमें डाल दूंगी 1 टीस्पून जीरा, एक छोटा टुकड़ा डाल रही हूँ दालचीनी का, 2 छोटी इलायची, इनका मुंह खोल लें, एक तेजपात। पहले इन सब चीजों को हमने अच्छे से चला देना है, इसका अच्छा सा फ्लेवर आ जाए, जीरा भी अच्छे से फूल जाए। आप देख पा रहे होंगे जीरा अच्छे से फूल चुका है। मैंने लिए थे 2 प्याज मीडियम साइज के, इनको मिक्सी में पीस दिया था, मैं वो डाल रही हूँ। इसके साथ ही मैं डाल दूंगी 4 लौंग, इनका भी बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। अब प्याज जल्दी से हो जाए और अच्छे से हो जाए मैं नमक अभी से डाल रही हूँ, 1/2 टीस्पून। आप नमक ध्यान से डालें क्योंकि हम नमक का यूज बाद में भी करेंगे। और प्याज को अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक भून लें। प्याज हमारी हो गई है, अब डालेंगे कुछ मसाले। 1/2 टीस्पून मैं डाल रही हूँ इसमें हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ लाल मिर्ची पाउडर, ये कम तीखी वाली लाल मिर्ची है मैं उसका यूज कर रही हूँ, 1/2 टीस्पून मैं डाल रही हूँ इसमें धनिया पाउडर, मिक्स कर दें। अब इसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, इसे भी थोड़ा सा चला देंगे। मैंने लिया था 1 टमाटर, उसको भी ना मिक्सी में पीस लिया था, वो डाल रही हूँ। अच्छे से मिक्स करते हुए अब हमें सब मसालों को और टमाटर को पका लेना है। आप देख पा रहे होंगे टमाटर और मसाले अच्छे से पक चुके हैं, ऑयल सेपरेट हो चुके हैं। अभी मैं गैस को बंद कर दूंगी, बाकी की तैयारी करेंगे। लिया गोभी, मैंने एक फुल गोभी का लिया था जो ग्राम के हिसाब से आधा किलो के करीब है। मैंने इसे अच्छे से वॉश करके ना थोड़ी देर रख दिया था, इसका जो पानी है ना वो निकल जाए। अब इसके डंठल को हमने निकाल देना है। सारे डंठल को निकालने के बाद एक बारी हमने चेक भी कर लेना है कि गोभी में कीड़ा तो नहीं है। अब क्या करेंगे, अब मैं ले लूंगी कद्दूकस। आप ज्यादा से ज्यादा बारीक वाला कद्दूकस लेंगे ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ज्यादा मोटे वाला ना लें और इस गोभी को ना कद्दूकस कर लें। देखिए हमने सारी गोभी को ना इसी ढंग से कद्दूकस करके तैयार कर लिया, आप देख पा रहे होंगे। और इसका जो डंठल है उसको मैं हटा दूंगी, देखिए बिल्कुल बारीक करा है, ज्यादा मोटा नहीं करा है। अब डालेंगे कुछ मसाले। मैंने लिए 1/2 टीस्पून अजवाइन, वो हाथों से क्रश करके डालेंगे, इससे डाइजेशन भी होगा और स्वाद भी अच्छा आएगा। इसके साथ ही मैं डाल दूंगी 2 चुटकी हींग। 1/2 टीस्पून से थोड़ी सी कम डाल रही हूँ मैं धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा कम ही मैं डाल रही हूँ इसमें हल्दी पाउडर, और मैं 1/2 टीस्पून डाल रही हूँ लाल मिर्ची पाउडर, ये कम तीखी वाली लाल मिर्ची है मैं उसका यूज कर रही हूँ। अब डालेंगे इसमें बेसन, मैं इसमें 4 टेबलस्पून के करीब पहले बेसन डालूंगी, अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो हम और भी डाल सकते हैं, तब मैं आपको बाद में बताऊंगी। देखिए अब इसमें डाल देंगे हम नमक, आप स्वाद अनुसार डालें और ध्यान से डालें, नमक का यूज हमने पहले भी किया है। मैं 1/4 टीस्पून नमक डाल रही हूँ और थोड़ा सा डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। 1 टीस्पून डालेंगे कुकिंग ऑयल। अब इसमें पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि गोभी में पानी होता है। इसका एक डो तैयार करना है अच्छे से मिक्स करते हुए। हमने इसको डो के रूप में तैयार कर लिया है, टोटल हमारा 5 टेबलस्पून बेसन लगा है। अब हमने क्या करना है, हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगा कर ना इसको 3 भागों में मैं डिवाइड कर दूंगी इस ढंग से। अब हाथों पे ऑयल लगा कर ही इसको मैं पहले स्मूथ करके ना इस ढंग से लंबा बना दूंगी, जैसे गट्टे की शेप होती है ना उस शेप में, ऐसे तीनों को बनाकर पहले तैयार कर लें। देखिए मैंने तीनों को बनाकर तैयार कर लिया है। मैंने एक पतीले में ना 2.5 ग्लास के करीब पानी उबलने रख दिया था, जैसे ही पानी में उबाल आ जाएगा मैंने लिया एक छन्नी, उस पर भी ना ऑयल लगा लिया है, उसको इस पे रख देंगे। अब
ये तीनों गोभी के गट्टों को हमने इस पे रख देना है। अब इसको हम गैस को मीडियम करके ढक देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। देखिए 15 मिनट हो चुके हैं इसे पकते हुए। 10 मिनट बाद ना इसको मैंने पलट दिया था कि दूसरी साइड से भी बहुत अच्छे से पक जाएं। आप देख पा रहे होंगे बहुत अच्छे से पक चुके हैं, फूल चुके हैं। अब गैस को बंद कर इसे बहुत अच्छे से ठंडा कर लेंगे। देखिए ठंडा हो चुके हैं, इसे हम छू सकते हैं। अब इसे हम काटेंगे, गर्म में ना काटें नहीं तो ये टूटेंगे, बहुत सॉफ्ट होते हैं ना। तो इसी ढंग से हमने इसको छोटा छोटा काट लेना है चाकू से। देखिए हमने सबको काट कर तैयार कर लिया है। ताले वाली गैस को भी हम ऑन कर देंगे। मैंने लिया है थोड़ा सा दही 2 टेबलस्पून के करीब, और ये कम खट्टा दही है, ज़्यादा खट्टा नहीं है। इसको डाल देंगे और लो मीडियम फ्लेम पर हमने चलाते हुए दही को पका लेना है। देखिए दही भी बहुत अच्छे से पक चुका है, आप देख पा रहे होंगे। मैंने ली थी 2 हरी मिर्ची, इसको बीच में से चीरा लगाकर ना छोटे टुकड़ों में काट लिया था, वो डाल रही हूँ। हरी मिर्ची कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। अब डालेंगे इसमें पानी, मैं इसमें 1 कप पानी डाल रही हूँ। अच्छे से मिक्स करते हुए पहले तो उबाला आने देंगे। ये उबाला आ गया, अब डालेंगे 1/2 टीस्पून गरम मसाला। 1/2 टीस्पून ही मैं इसमें डाल रही हूँ कसूरी मेथी, ये क्रश करी हुई कसूरी मेथी है, मैं वो डाल रही हूँ। इन दोनों से बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। अच्छे से मिक्स कर दें। अब डाल देंगे गट्टे, गोभी के गट्टों को, इसको भी मिक्स करेंगे। बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम गैस को कर देंगे लो मीडियम और इसको ढक देंगे 3 से 4 मिनट के लिए। देखिए 4 मिनट हो चुके हैं, अब हम गैस को बंद कर देंगे, लेकिन इसे खोलेंगे 2 मिनट बाद। देखिए 2 मिनट हो चुके हैं, अब इसको हम चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी रेसिपी बनकर तैयार हुई है। आप इस ढंग से गोभी की एक बार रेसिपी जरूर बनाएं, जो कि सबको बहुत ही पसंद आएगी और खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगी। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें और कमेंट्स करके जरूर बताएं कैसी लगी। अगर मेरी रेसिपी पसंद आए आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।